नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। कानपुर में विश्व हिंदू परिषद का राम महोत्सव कार्यक्रम हो रहा है। कानपुर में दुनिया का सबसे बड़ा राम महोत्सव चल रहा है और ये कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद का रहा है। राम महोत्सव का कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता की मौजूदगी में हो रहा है। कई बड़े नेता भी इस राम महोत्सव कार्यक्रम में मौजूद है और दुनिया का सबसे बड़ा राम महोत्सव है ये। नगर के रेलवे ग्राउंड में विशाल आयोजन हुआ है। राम महोत्सव मनाया जा रहा है और राम महोत्सव जो मनाया जा रहा है यहाँ पे जो है 18 से जो 20 जिले जो है आसपास के जिले जो है वो जो जिले हैं उन जिलों से लोग जो आ रहे हैं भगवान राम का जो वेशभूषा जो पहन के आ रहे हैं अलग अलग तरह से लोग आ रहे हैं। यहाँ पे जो आपको बताते चले कि कुछ लोगों से बात कराते हैं कि जो ये राम महोत्सव है उसमें ये कितना मतलब ये अपना को लकी मानते हैं क्या है क्या नहीं है पूछते हैं सर। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक दुबे। दीपक जी, आप इस राम महोत्सव में आप आए हैं, किस आस्था के साथ इस राम महोत्सव में आप आए हैं? मैं इस राम महोत्सव में हिंदू की आस्था के साथ आया हूँ और मुझे इस महोत्सव में आकर के बहुत प्रसन्नता हुई है। जिस जन सैलाब के साथ ये राम महोत्सव मनाया जा रहा है उसे ये हिंदू समाज और इकट्ठे में बहुत बहुत संगठन को मजबूती मिलेगी। आपको बताते चले जो यहाँ पे पुष्पक महान बना हुआ है, पुष्पक महान जो है लगभग 80 फीट ऊपर पुष्पक महान बना हुआ है। इसमें 6000 जो है भगवान राम, 6000 भगवान के राम के जो रूप है स्वरूप यहाँ बने हुए हैं और यहाँ देखने का दृश्य जो है बहुत अच्छा लग रहा है। और भी लोगों से बात आते हैं कि क्या है यहाँ पे, कैसे कैसे ये लोग आए हैं और कहाँ से आए हैं। क्या नाम है आपका? राम शरण मिश्रा नाम है। मिश्रा जी, आप कहाँ से आए हैं? हम गोहांड घाट से आए हैं। घाट से आए हैं आप यहाँ पे जो है भगवान राम का जो उत्सव मनाने आए हैं, वो आपको देखने में कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल देख करके हम लोगों को बहुत प्रसन्नता हो रही है। 500 साल बाद भगवान राम का जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है उसको देख करके आज यहाँ 6000 राम रूप में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। हम लोग साक्षात भगवान के दर्शन होकर के हम लोग बहुत प्रसन्न है। यहाँ करके बहुत खुशी की बात है, बहुत हृदय को बहुत प्रसन्नता हो रही है। आगे यही कल्पना चल रही है आगे भारत अपना हिंदू राष्ट्र बने। और भी लोग हैं जिनसे आपकी हम बात कराते हैं यहाँ पे। क्या नाम है आप? जीतू यादव। जीतू जी, आप जो है इस राम महोत्सव का जो मेन है इस विश्व हिंदू परिषद का, इसका उद्देश्य मेन क्या है? उद्देश्य मेन है कि हिंदू भारत बने और आगे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और क्या कहते हैं कि योगी जी का हम लोगों का बहुत आभार है कि हम लोगों के भारत में योगी जैसे लोग शासन में आए, मुख्यमंत्री बने और हमारे ये सब जिले में हो रहा है, हमको बहुत खुशी है। जय श्री राम। आपको बताते चले जो विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम हो रहा है ये बिल्कुल प्रांतीय लेवल पर हो रहा है। इसमें 18 से 19 जिले जो हैं अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कैमरा पर्सन करण शर्मा के साथ उपेंद्र अस्थाना, कानपुर। बेहद ही भव्य बनाया जा रहा है राम महोत्सव और कई तरह की तैयारियां भी राम महोत्सव को लेकर के की गई है। आप देख सकते हैं कि हमारी टीवी स्क्रीन पर कि लोग भारी संख्या में मौजूद है, बेहद ही उत्साहित दिख रहे हैं लोग राम महोत्सव के लिए। और हम आपको सीधा लाइव दिखाते हैं, हमारे संवाददाता उपेंद्र अस्थाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस वक्त वो ही मौजूद है। उपेंद्र, किस तरह की भव्य तैयारियां की गई हैं राम महोत्सव के लिए, राम महोत्सव को लेकर कानपुर में? बताते चले कानपुर का जो रेलवे ग्राउंड बना हुआ है ये, यहाँ पे जो राम महोत्सव की जो तैयारियां की गई थी यहाँ पे, वो तैयारियां जो है बहुत अच्छे स्तर पर गई थी। यहाँ पे जो यहाँ पे पुष्पक विमान जो बना हुआ है, पुष्पक विमान की जो हाइट है वो जो है 80 फीट है बनी हुई है। और यहाँ पर जो पुष्पक महान बना हुआ है उसमें कम से कम नहीं तो 6000 लोग जो है भगवान राम के वेशभूषा में आकर के अलग अलग दृश्यों में यहाँ पे लोगों को मनोहित कर रहे हैं। अगर बात किया जाए लोगों की तो लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है राम महोत्सव के लिए, उपेन? आपको बताते चले जो राम महोत्सव जो यहाँ पर देखने को उत्साह इतना, क्योंकि हिंदू धर्म की बात है, लोग हिंदुओं के लिए तैयार भी है और हिंदू सब ये कहते हैं कि जब जो हिंदू है वो हिंदू जब सब एक हो, इस हिंदू महासभा का जो कार्यक्रम है, विश्व हिंदू परिषद का जो कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, इसका मेन मकसद यही है, मैसेज यही है कि जो हिंदू है वो सब एक साथ हो। क्या कुछ तैयारियां की गई है उपेंद्र से राम महोत्सव को लेकर के? आपको बता दें जो यहाँ पे जो पुष्पक महान है, ये जो बना हुआ है पुष्पक महान जो बना हुआ है, इसका जो जो मैसेज जो जा रहा है समाज में कि जब
भगवान राम जो है जो श्रीलंका गए थे वहाँ पे, श्रीलंका से जब सीता माता को लेकर वापस अयोध्या आए थे तो वो इसी वाहन से आए थे। कहीं ना कहीं सिंधु परिषद का जो जो ये पुष्पक वाहन का जो जो रूपरेखा बनाई गई है ये समाज को एक मैसेज दे रहा है वो। बिल्कुल उपेंद्र, मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप आसपास के लोगों से बात करके भी बताएं, जो लोग वहां मौजूद है, जो लोग इस महोत्सव में मौजूद है वो कितने उत्साहित है। मैं चाहूंगी यहाँ पे मौजूद लोगों से आप बातचीत करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता चलेगा क्या नाम है आपका? अभय श्रीवास्तव। अभय जी, जो आप आज भगवान राम का रूप लेकर के वनवास के रूप में है, आप कितना उत्सुक है इस वेशभूषा को लेकर के और जो राम महोत्सव कार्यक्रम है उसको लेकर के? इस कार्यक्रम को लेकर हम लोग बहुत पहले से उत्साहित थे क्योंकि ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा है। आज तक पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि ये कार्यक्रम आज जो अपने कानपुर में हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये ऐसा कार्यक्रम कभी आज तक नहीं हुआ है। और एक ही साथ एक ही जगह पे पूरे 6000 श्री राम और 1100 हनुमान जी आए थे। और इस कार्यक्रम को हम लोगों का संकल्प ये था कि पूरा हिंदुत्व राज बनाया जाए, एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए। जैसा कि आपको पता चले कि और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो जो वेशभूषा भगवान राम की बनाए हुए हैं तो उससे उनका मैसेज क्या है? क्या नाम है आपका? सागर सिंह। सागर सिंह, आप इस वेशभूषा में क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज करना चाहता हूँ कि आज समय में जैसे मतलब जो यही सब कार्यक्रम हो रहा है उसके देखते हुए मतलब हिंदू आज सब एक हो और अखंड भारत का निर्माण हो, मैं ये चाहता हूँ। आपको बताते चले जो विश्व हिंदू परिषद का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के 15 कैबिनेट मंत्री और कई विधायक जो थे और कई भारतीय जनता पार्टी के कानपुर के उत्तर कमेटी और दक्षिण कमेटी के जो पदाधिकारी है वो यहाँ मौके पर थे। उपिन, क्या कुछ उद्देश्य है इस राम महोत्सव का और कौन कौन से जो बड़े मंत्री नेता है वो उपस्थित है और क्या कुछ व्यवस्थाएं है, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? आप पता चले कि जो ये मंत्री नेता जो यहाँ पे आए सब लोग आए, सब लोग कह रहे हैं हिंदू समाज को एक करना है और इस भारत को जो वो हिंदू राज कोशिश करना है। क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है उपेंद्र? सुरक्षा के किस तरह से सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि भारी संख्या में लोग इस महोत्सव में मौजूद है? यहाँ पे जो है इतनी ज्यादा जन सैलाब घटता है कि इतना साउंड यहाँ पे कई किलोमीटर तक का साउंड आया गया है। यहाँ पे जो है लगभग आसपास के 19 जिले के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था की बात किया तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए हर चौराहे पे हर 200 मीटर पे पुलिस तैनात है ताकि किसी तरीके से कोई विवाद उत्पन्न हो सके यहाँ पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए उपेंद्र। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये बड़ा राम महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लोग भारी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इस राम महोत्सव में। कई खास उद्देश्य भी हैं इस राम महोत्सव के, कई बड़े नेता मंत्री भी पहुंच रहे हैं इस महोत्सव में। वहीं विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता भी मौजूद है, खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि हम राम मंदिर बन रहा है जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला है। वहीं उपेंद्र साना हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या कुछ अलग होगा इस महोत्सव में और क्या कुछ अलग उद्देश्य है इस महोत्सव का? यहाँ पे जो आपको पता चले कि जो यहाँ पे व्यवस्था करी गई थी खाने पीने की और जो व्यवस्था लोगों का पानी की पेयजल की व्यवस्था सब व्यवस्थाएं तैयार थी, यहाँ पे किसी प्रकार कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। शासन प्रशासन जो है वो बिल्कुल पूरा मुस्तैद है कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। पर आपको जानकारी बता दूं, कार्यक्रम में जो जन सैलाब था वो जो है बहुत ही ज्यादा था। आसपास के जो जिले थे वो जिले जो जुड़े हुए सब जिले उन जिलों से जो आने वाले लोग हैं उनको बस द्वारा जो इस बस द्वारा वो आए थे उस बस द्वारा उनको भेजा भी जा रहा है और हर तरीके से खान पान की उनकी व्यवस्था की गई है। और जो इस विश्व हिंदू परिषद का जो मेन मकसद है कि जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाना। जो आसपास के जिले आसपास के शहरों से लोग आए हैं उनके रुकने की क्या कुछ व्यवस्था की गई है, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं किए गए हैं? जो भी विश्व हिंदू परिषद के जो जो यहाँ पे जो उनके कमेटी के पदाधिकारी लोग हैं जो जो बहुत दूर से उनके लिए खाने की व्यवस्था सारी की है, पेयजल की व्यवस्था की है और जो लोग पास के जिले के हैं वो बस द्वारा वापस चले जाएंगे। जी अगर बात किया जाए वहाँ के
जी अगर बात किया जाए वहाँ के लोगों की, जो लोग उस महोत्सव में मौजूद है उसमें कितने कुछ महंत लोग भी शामिल हुए होंगे, कौन कौन जगह से महंत लोग आए हैं, और क्या अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की भी जिक्र बेहद ज्यादा की जा रही है इस महोत्सव में? इस विश्व हिंदू परिषद जितने भी लोगों से मैं अभी तक मुलाकात मैंने की, लोगों से सब अयोध्या की तारीफ कर रहे हैं, सब अयोध्या के कह रहे थे अयोध्या जो बना है वो बहुत से रामलला हम घर आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, ये सब गाने यहाँ पे गुंजा रहे हैं, जय जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे लगातार। और आप पता चले जो विश्व हिंदू परिषद का मेन मोटो है उनका साफ यही कहना है, बार बार ये कहना है कि हमको जो है हिंदू को जगाना है, हिंदू को जगाना है और हिंदू राष्ट्र घोषित करना है भारत को। उपेंद्र, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्या उसमें भी इसका नाम घोषित किया जाएगा, क्योंकि ये बेहद ही बड़ा और यूनिक और पहला राम महोत्सव है? जी अब बिल्कुल बता दे रहा, ये आसपास उत्तर प्रदेश का जो है जो 80 जिले हैं उन जिलों में सबसे बड़ा जो राम महोत्सव मनाया गया है, और इसके जो इसका देखा जाए तो रिकॉर्ड जिसका नाम आ भी सकता है। वही अगर बात किया जाए और व्यवस्थाओं की और लोगों की, तो जो स्थानीय कानपुर के लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है इस महोत्सव को लेकर के? कानपुर के निवासियों को यह कहना है कि आज तक हमने कभी ऐसा जो है कार्यक्रम देखा नहीं है, हिंदू से संबंधित कोई कार्यक्रम ऐसा देखा नहीं है, पुष्पक वाहन जो बना हुआ है लोग वहाँ सेल्फी खींच रहे हैं, बहुत उत्सुक है, यहाँ पर महिलाएं बेटी बच्चे जो है हर आदमी जो है भगवान राम का और हनुमान जी का रूप लेकर के यहाँ पे इस सभा में जो है आ रहा है। जी उपेंद्र, बिल्कुल आप यहाँ पर अपनी नजर बनाए रखिए, सारे अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कानपुर, वही हमारे संवाददाता मौजूद है राम महोत्सव में और आपको उन्होंने दिखाया कि राम की वेशभूषा में भी लोग वहां पर मौजूद है, काफी उत्साहित है लोग इस राम महोत्सव को लेकर, और विशाल राम महोत्सव विश्व हिंदू परिषद द्वारा यहाँ पर मनाया जा रहा है, यहाँ पर किया जा रहा है। आसपास के शहरों से, आसपास के जिलों से जो साधु संत है वो इस महोत्सव में हिस्सा लेने पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं इस महोत्सव में, और कहीं ना कहीं ये बेहद ही विशाल राम महोत्सव है। अगर बात किया जाए इस पूरे महोत्सव की तो कहीं ना कहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये राम महोत्सव दर्ज हो सकता है, क्योंकि ये बेहद ही भव्य और विशाल राम महोत्सव है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।